भारतीय डेफ क्रिकेट टीम पहली बार हो रहे इंग्लैंड के खिलाफ द्विपक्षीय T20 सीरीज के लिए 15 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। सीरीज के मैच मुकाबले 18 से 27 जून तक खेले जाएंगे। इससे पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डेफ क्रिकेट टीम के जर्सी का भी अनावरण हुआ। इस मौके पर इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की संरक्षक रीना जैन मल्होत्रा ने कहा कि टीम इस टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इनवाइट करा इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स को कि वो उनके मैदान में आए और एक बायलैटरल सीरीज़ खेले। तो ये बायलैटरल सीरीज 7 दिन खेली जाएगी, 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, और सभी हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। और इसकी तैयारी करने के लिए 7 तारीख से 13 जून तक हमने कर्नैल सिंह स्टेडियम में जो कैंप लगाया है उसमें बहुत ही हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, मे इट बी हमारे पुराने क्रिकेटर्स जैसे मनोज प्रभाकर जी, मे इट बी आवर हेल्थ एडवाइज़र, डाइटिशियंस, एवरीबडी, आवर कोचेस, एवरीबडी इज़ गिविंग देम डे एंड नाइट ट्रेनिंग। और पूरी हमारी कोशिश है कि हम इंग्लैंड को उन्हीं की ज़मीन पर हरा के वापस आएँ। वहीं भारतीय डेफ टीम के हेड कोच संतोष कुमार राय ने सीरीज को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। मेन फोकस होता है कि रिजल्ट पे नहीं बल्कि हम कैसा खेल रहे हैं, हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना होता है। और जब हम वर्ल्ड कप में गए थे तो उसमें भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया था, सेमीफाइनल में भी सुपर ओवर में मैच गया हुआ था, तो टीम के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। कभी कभी हार्ड लक हो जाता है, तो टीम के सिलेक्शन में यही हम ध्यान रखते हैं कि सिलेक्शन बिल्कुल फेयर होना चाहिए और जो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको हम मौका देना चाहिए, तो यही ध्यान में रखा जाता है। और जो सपोज़ किसी का फॉर्म नहीं है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारे तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, तो इसीलिए हमारे पास रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।